हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्फर्मेशन ऑफ शुगर वाले जो का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। कन्फर्मेशन से रिलेटेड सारे ही जो टॉपिक्स है मोस्ट टाइम भी होते गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको सारे ही टॉपिक को कम्प्लीट करके जाना है, ठीक है, कन्फर्मेशन से रिलेटेड। और MSc फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखने के लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं MSc से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने साइकिल जो कन्फर्मेशन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उन्हें चेक कर लीजिएगा, तभी आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कन्फर्मेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी टॉपिक्स देखते हैं तो सबसे पहले आप कन्फर्मेशन की थ्योरी आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलेगी आपको, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं दो वीडियो पहले नीचे आपको मिल जाएगा कन्फर्मेशन से रिलेटेड। तो यहाँ की जो ये जो थ्योरी है आपको यहाँ से उठाकर आपको लिख लेनी है कहाँ पर, जब आप कन्फर्मेशन शुगर का टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। मतलब कन्फर्मेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स देखेंगे तो कन्फर्मेशन की थ्योरी पहले ऐड करनी, तो वो आपको पता है कहाँ मिलेगी। मैंने दो वीडियो पहले ही आप वीडियो चेक करेंगे कन्फर्मेशन से, ये डिक्लीज वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी प्लस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 मेंबर पैरानोज री होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 मेंबर की एक फिरेनोज री होती है, जो क्या होता है रिंग में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड एंगल का मात्र 111 प्राप्त होता है। मतलब कि मान लीजिए जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 111 अंश का यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बॉन्ड एंगल का मान 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है। तो ये क्या है, लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस ग्लूकोपी रिनोस होगा, और यहाँ पर क्या होगा बीटा डी ग्लूकोपी रिनोस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि ग्लूकोज की पायरानोस रिंग साइक्लोहेक्सेन रिंग के लगभग सेम होती है, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों जो रिंग होगी पायरानोस रिंग और साइक्लोहेक्सेन रिंग दोनों क्या होगी, सेम होगी, लेकिन इसमें बी फॉर्म अधिक स्टेबल होता है। लेकिन क्या होता है, इसका जो बीटा वाला जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि सभी हैवी ग्रुप लाइक OH एंड CH2OH इक्वेशन निरक्षम होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो OH ग्रुप यहाँ पर उपस्थित होता है, OH और CH2OH ग्रुप यहाँ पर उपस्थित होता है, इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तथा ए फॉर्म में हेवी ग्रुप OH फर्स्ट कार्बन एटम में एक्सियल पोजीशन में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो अल्फा फॉर्म में जो हेवी ग्रुप होते हैं OH वो फर्स्ट कार्बन एटम में उपस्थित होते हैं, तथा अर्थात यह लेस क्रोमेंडिंग है, मतलब ये क्या होगा, इसलिए ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब मोर स्टेबल, वह मोर स्टेबल यदि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में ओरिएंटेड होता है, तो इस कारण बीटा फॉर्म और ए फॉर्म से अधिक स्टेबल होते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जो मोर स्टेबल होगा वह यदि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में वेरिएंटेड होता है, मतलब ये क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में ओरिएंटल होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो बीटा फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए फॉर्म से अधिक स्टेबल होता है, ठीक है। इतनी मत समझ में, ये क्या होता है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन में ओरिएंटल होता है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, CH2OH और OH ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। इतनी मत समझ में। तो यहाँ पर जो है देखिएगा,
यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप कि आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।